क्या आप अमेजॉन के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं? क्या आप अमेजॉन से कोई भी सामान मंगवाते हैं उसके बदले कोई दूसरा सामान देना चाहते हैं? तो ये वीडियो मेरे भाई आप ही के लिए, आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस, चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये पेट्रॉन का ईयरबड्स मंगवाया, ओके, इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे डाल दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने ये मंगवाया पेट्रॉन का ईयरबड्स, अब बाय चांस किसी कारणवश ये ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो अब क्या करें? इसका यदि हम वारंटी क्लेम करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि आप नया प्रोडक्ट मंगवा देंगे और उसके बदले उसके जगह पे इस प्रोडक्ट को रख दें, ठीक है ना? तो यदि आप ये सोचते हैं, ठीक है, तो आप ये वीडियो क्लिप जरूर देखें। ये जो सामान आप देख रहे हैं किसी दुकान या शोरूम का नहीं है, ये वो सामान है जो एक युवक अमेज़न से खरीदता है। लेकिन इतना सारा सामान एक ही युवक क्यों खरीदता है, क्या करता है वो इस सामान का, ये समस्या है। जब आप सुनेंगे तो शायद आपको भी यकीन न हो, ये सामान खरीद कर ये युवक अमेज़न को ही ठग रहा था। दरअसल अमेज़न के प्रतिनिधि ने पिछले दिनों साइबर क्राइम पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि कोई युवक पहले सामान का ऑर्डर करता है और सामान लेने के बाद ऑर्डर कैंसिल कर देता है, फिर असल सामान को बदल कर डुप्लीकेट सामान वापस भेज देता है। अभी तक ये शातिर अमेज़न को 17 लाख रुपए की चपत लगा चुका है। सूचना पर सक्रिय हुई साइबर क्राइम पुलिस ने जब सोशल साइट पर शॉपिंग करने वालों का रिकॉर्ड खंगाला तो उसकी नज़र में दिव्यांशु चौहान नामक एक युवक आया जो साइंस ग्रेजुएट है और ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में रहता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं जी। उसे पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उसने कई शॉपिंग साइट्स पर ठगी करने की बात कबूली है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, ठीक है ना, कि कैसे वो जो लड़का था वो पकड़ा गया, ठीक। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप ये वीडियो क्लिप देखने के बाद ऐसा कोई काम करेंगे, ठीक है ना। यदि आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ओके। मेरा सजेशन है कि आप ना करें, क्योंकि यदि अमेज़न वाले सोच लिया कि आज से हम सारे प्रोडक्ट को चेक करें, मान लीजिए, ऐसे तो लगता है कि ये ऐसे कैसे सोच लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो जिस दिन यदि वो सोच लिया, और ये हाल ही फिलहाल का घटना है, तो जिस दिन वो सोच लिया और कहीं उसी दिन आपका दिन हुआ तो आप भीतर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से बचें, और सीधा सी बात है, वारंटी इसके साथ मिलती है, आप वारंटी क्लेम करिए ना, क्या दिक्कत है। मैंने इससे पहले एओ स्मिथ का वाटर प्यूरिफायर मंगवाया था, ठीक, तो उसका फिल्टर अब खराब हो गया, उसमें एक साल दो साल का वारंटी नहीं गारंटी दिया था। तो फिल्टर खराब हो जाना वारंटी में आता है, और उसके साथ मतलब वारंटी भी दिया था। तो वारंटी क्लेम मतलब खाली फोन किए उसके कंपनी पे, आया कंपनी वाला और फिल्टर ठीक करके चला गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कई लोग सोच लेते हैं कि हम यदि वारंटी क्लेम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर सोचते हैं कि यदि हम मेरे घर में पहले से ही ऐसा मतलब पुराना पड़ा हुआ है और उसको हम रखते हैं और मतलब और दे दें उसको, तो कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, और कभी कभी नहीं, आप अधिकतर बार आपका 90% चांस है कि आप पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब बेकार वाला काम मत करिए, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरी जानकारी ये जो है सो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।